द इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। क्या होता है कुश्ती अखाड़ा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? भारत का सबसे पुराना अखाड़ा कहाँ है? कुश्ती अखाड़ा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पहलवान रहते हैं, अपने गुरु के अंदर ट्रेनिंग पर हासिल करते हैं, कुश्ती का आर्ट सीखते हैं और कुश्ती करते हैं। कुश्ती अखाड़े पर दंगल जैसी फिल्म भी बन चुकी है और इसके रिलीज होने के बाद कुश्ती अखाड़ा की प्राचीन कला अब देश में और भी अधिक पहचानी जाने लगी है। पहलवान कुश्ती अखाड़ा में मिट्टी में पहलवानी करते हैं और तरह तरह के दांव पेंच सीखते हैं। इंडिया के हिंदी भाषा स्टेट्स यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कुश्ती अखाड़ा काफी ज्यादा फेमस है। कम उम्र में कुश्ती शुरू करने से बच्चों का मेंटल लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके साथ ही इस खेल को समझने में और भी आसानी होती है। कुश्ती अखाड़ा तैयार करते समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहलवान जिस मिट्टी पर कुश्ती करते हैं उसे वो माँ के सम्मान मानते हैं। कुश्ती अखाड़ा की मिट्टी में छाछ, दूध, सरसों का तेल, हल्दी और नींबू मिलाया जाता है। अखाड़ा में पहलवान बिना जिम की मशीन्स के एक्सरसाइज और प्रैक्टिस दोनों करते हैं। कुश्ती अखाड़ा आमतौर पर राउंड शेप का होता है। सबसे पहला पहलवान कुश्ती अखाड़ा की जगह को स्पेड से मिट्टी को बराबर मिलाते हैं और फिर उसके बाद मिट्टी के ऊपर हल्दी डालते हैं और फिर तेल और छाछ या दूध से छिड़काव करते हैं। पहलवान कुश्ती अखाड़ा को एक मंदिर की तरह मानते हैं और अपने गुरु मतलब अपने कोच को भगवान के समान दर्जा देते हैं। पहलवान कुश्ती की प्रैक्टिस करने से पहले कुश्ती अखाड़ा की पूजा करते हैं और फिर वो अपने कोच को, अगर हम बात करें, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। फिर पहलवान कुश्ती अखाड़े से पहलवानी शुरू करती है। कुश्ती अखाड़ा की ये संस्कृत मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। हालांकि वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों, अगर हम बात करें, अपनी सदियां पुरानी अखाड़े के साथ साथ अपनी संस्कृत को भी संभाले हुए हैं। कुश्ती भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक प्राचीन संस्कृत का हिस्सा है। हमारे देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय पहलवान जैसे गीता फोगट, बबीता फोगट और इनके भाई विनेश फोगट अपनी सफलता के, अगर हम बात करें, अपने कुश्ती के कोच या अपने गुरु को देते हैं। कैसे फोगट परिवार का बच्चों, अगर हम बात करें, अपने पिता का पहला गुरु उनको मानते हैं और लास्ट तक अपने सुपरविजन से मेडल्स भी जीतते हैं। हरियाणा में देश का सबसे बड़ा भारत कुश्ती दंगल हुआ था। इस मौके पर हम दंगल सीरीज के तहत पुणे में मौजूद 233 साल पुराने अखाड़े चिंचेची तालीम की जानकारी दे रहे हैं। इसे भारत का सबसे पुराना अखाड़ा माना जाता है। बता दें कि अखाड़े और कुश्ती भारत की परंपरा का हिस्सा है। बता दें कि महाराष्ट्र में अखाड़े तालीम को कहा जाता है। चालू हालत में ये भारत का सबसे पुराना अखाड़ा बताया जाता है। इसे पेशाओं ने 1786 सेंचुरी में स्थापित किया था। एक समय ऐसा हुआ था जब अखाड़े में सिर्फ 12 पहलवान को 10 साल की कुश्ती के लिए तैयार किया जाता था। मिट्टी को यहाँ के पहलवान माँ मानते थे। अखाड़े की लाल मिट्टी में छाछ, तेल और नींबू मिलाया जाता है जो इसे एंटीसेप्टिक बनाता है। तालीम में कई पहलवान स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पहलवानों का रूटीन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। उठने के बाद सभी पहलवान रनिंग करते हैं और कोई ना कोई स्पोर्ट्स भी इंजॉय करते हैं। इसके बाद अखाड़े में वापस आकर एक्सरसाइज भी करते हैं। दिन में उन्हें कुछ टाइम का रेस्ट देने के बाद, अगर हम बात करें, शाम को कुश्ती करवाई जाती है। ये कुश्ती 4 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक चलती है। दंगल की कहानी भी हमें कुछ ऐसे ही कुश्ती अखाड़े को देखने को मिलेगा, जहां फोगट बहनें प्रैक्टिस करती दिखाई देने वाली हैं, लेकिन जिस लेवल की कुश्ती दिखानी चाहिए डायरेक्टर ने उस पर इतना फोकस नहीं किया और बेसिक चीजें पर्दे पर उतार दी थी। लेकिन इस बार दंगल 2 में इस लेवल की कुश्ती की प्रैक्टिस और ऐसे पुराने अखाड़ों पर ध्यान दे सकती है मेकर्स। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।